उस रसोई में एक मीठी डिश बन रही है जो मेरे बच्चों की पसंद की है। आज उनका बहुत दिल था खाने का, तो सोचा आपको भी मैं बता देती हूँ। और ये मैंने ब्रेड लिए हैं जिसको मैंने शेप में काट लिया है। आप ओवल शेप में भी काट सकते हैं, ट्रायंगल में भी और गोल में भी। मैंने गोल में काटा है। मैंने 1 कप शक्कर लिए, 1/2 कप पानी लिया है, इलायची। फिर इसका मैं चाशनी बनाऊंगी। चाशनी बना के फिर ये मैं ब्रेड को डीप फ्राई करूंगी। डीप फ्राई करके चाशनी में डालूंगी। ये मैंने होममेड रबड़ी बनाई है। और ये है दूध। दूध मैं ब्रेड के ऊपर डालूंगी। कैसे डालती हूँ वो मैं बताती हूँ। फिर ये ब्रेड के ऊपर दूध डाल के फिर मैं डीप फ्राई करूँगी। अब ब्रेड के ऊपर दूध कैसे डालते हैं, मैं थोड़ा सा दूध उसके ब्रेड के ऊपर डालूंगी। ये ब्रेड दूध सोख लेगी। मैं सब पे डालूंगी थोड़ा थोड़ा, 1/2 टीस्पून। आप सब पे डालिएगा। मैंने सब ब्रेड पे थोड़ा थोड़ा दूध लगा दिया है। अब मैं इसको डीप फ्राई करूंगी। गैस मीडियम रखिएगा डालते समय। दूध थोड़ा थोड़ा डालिएगा, अदरवाइज वो टूटने लगेंगे। और इधर दूसरी जगह मैंने चाशनी बनाना चालू कर दिया है, जो मैंने आपको 1 कप शक्कर और 1/2 कप पानी डाल के, इलायची डाल के चाशनी बना लूँगी। फिर मैं असेंबल करना बताती हूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रेड के ऊपर दूध डाल के डीप फ्राई कर लिया है। फिर उसको चाशनी में डिप करके प्लेट पे निकाल लिया है। मैंने रबड़ी बनाई है, होममेड रबड़ी। अब मैं एक एक ब्रेड के ऊपर थोड़ी लगाऊंगी ऐसे। पूरे में आप स्प्रेड कर लीजिएगा। फिर दूसरी ऐसे करके फिर दूसरी ब्रेड उसके ऊपर रख के सैंडविच बना लीजिएगा। मैं असेंबल करके आपको बताती हूँ। ये मैंने सैंडविचेस रेडी हो गई हैं, जो कि मैंने रबड़ी में अंदर फिलिंग करी है। बहुत ही टेस्टी होती है। आप ट्राई कीजिए फिर मुझे बताइए।